उनको आगे लेके जा सकता। हरिवंश राय बच्चन जी बहुत बड़े कवि, लेकिन उनके साथ एक अच्छी बात यह रही कि अमित जी हिंदी को लेकर के उतनी बड़े हिमायती और अपने बाबूजी के काम को लेकर के बहुत बड़े प्रशंसक उनके खुद, तो लगातार उनके काम को दोहराते रहे, हमारे बीच में लेके आते रहे। लेकिन ये हमारा फर्ज बनता है कि हम ऐसे मंच से उन सारे कवियों की बात करें जिन्होंने हिंदुस्तान की संस्कृति को, भाषा की संस्कृति को बनाने में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। और मुझे बहुत खुशी है कि इतने सारे लोग इस सभा में आए हुए हैं और जहां पर हिंदी के बारे में बात की जाने वाली है, बात कर रहे हैं। तो आपका आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और इस पे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे ख्याल से आपके प्रश्न का उत्तर मैंने दिया, क्योंकि मैं थोड़ा भटक गया था। तो शिल्पा जी, आई वांटेड टू आस्क यू कि यू नो आपका रिलेशनशिप हिंदी से कैसे जुड़ा और आपको हिंदी से यू नो कितनी प्रेम है, कितना प्रेम है और ये कैसे हुआ? तो हम भी बिहार से हैं, वैशाली हाजीपुर, और बचपन जो है वो अहमदाबाद, पिताजी इनकम टैक्स में थे तो अहमदाबाद कलकत्ते हमेशा सरकारी स्कूल में पढ़े मिडिल स्कूल तक। मेरी तो पूरी जिंदगी इसी में उलझ गई, बिकॉज यू नो इन क्लास फिफ्थ I read heart as hurt, and my English teacher tells me, you say heart. And then later on, like today, I think, yeah, but heart is hurt anyway, you know. So I was always messed up in English. And that, wo mera personality ko itna zyada affect karne laga tha, because Kolkata tak to theek tha, wahan pe bada desi hisab kitab chalta hai. Jab Delhi aaye, to phir suddenly DPS Argepuram, केंद्रीय विद्यालय से, जहाँ लड़के अलग बैठती हैं लड़कियाँ अलग, मतलब हाय बोल दिया मतलब अफेयर हो गई। तो मुझे तो हाय बोलना भी नहीं आता, तो बाकी बातें तो दूर की। तो आराम से डेढ़ साल इनटू डिप्रेशन, नाइन्थ एंड टेंथ, है ना, क्योंकि मुंह ही ना खुले। गवर्नमेंट स्कूल और पब्लिक स्कूल और डीपे साथीपुर में सब अदर लेवल ऑल टुगेदर। एंड देन थिएटर हैपेंड, एमके रायना सर एक प्ले कर रहे थे और वहाँ से मुझे लगा है अगर लैंग्वेज नहीं भी आती है प्रॉब्लम नहीं है, इस स्टेज पे आके वो डायलॉग्स रिहर्स करके तुम जो भी बोलोगे सब तुमको सुनेंगे, यू हैव योर मोमेंट, यू गेट योर मोमेंट। सो फॉर मी एक्चुअली इट ऑल स्टार्टेड लाइक द थेरेपी, बिकॉज आई वाज रियली कॉट अप इन दैट इंग्लिश हिंदी इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, यू नो, व्हिच आई थिंक अ लॉट ऑफ द पीपल डू नॉट रियलाइज देयर फुल पोटेंशियल, बिकॉज दे आर जस्ट स्टक विद द लैंग्वेज एंड दे डू नॉट वैल्यू द थॉट मोर, so they are just stuck with the way to express it rather than the you know the purity of the thought that they hold. उसके बाद फिर भी मैं struggle नहीं, या कहीं पे भी आप बड़े शहरों में जब आप बात करें कि English में कौन से writers पढ़ रहे हैं, तो सब लोग मुराकामी को जानते हैं, कामों को पढ़ना जानते हैं, like वो world level पे दूसरे writers को ढूंढ रहे हैं। और हमारे यहाँ सिर्फ clicks के लिए, सिर्फ bestsellers बनाने के लिए जो भी literature आज रचा जा रहा है, वो थोड़ा सा mediocrity को हम celebrate जो करने लगे हैं वो गड़बड़ है। और दूसरी चीज है कि इंग्लिश से हमें कोई एतराज नहीं है, बहुत ही अच्छी भाषा है। और लेकिन अपने यहाँ जो प्रयोग होते हैं इंग्लिश के, हमारे यहाँ सब लोग जितने बच्चे हैं और बड़े हैं सब लोग अंग्रेजी में ही बात करते हैं, और ये स्लैंग्स बने हैं शायद यूके में, शायद यूएस में, जिनको हम आजकल यहाँ पर प्रयोग करते हैं। अब ब्लैक कम्युनिटी का कोई स्लैंग होगा तो यहाँ पे आपको एक शर्मा जी दिखेंगे जो प्रोफेसर हैं, वो लोग भी वो ब्लैक वाला स्लैंग यूज करते हुए दिखेंगे, तो इट बिकम्स वेरी फनी। आपको कई बार रेज्यूमेज हमें भेजते हैं लोग, तो उसमें लिख के भेजते हैं हे, तो उनको लगता है पहले हेलो था फिर हाय आया तो अब हे शायद कुछ नया होगा, दे डोंट रियलाइज कि ये इनफॉर्मल है क्या है। तो इंग्लिश का भी जो यूज कर रहे हैं हमारे यहाँ वो बड़ा अलग है, हमारे यहाँ इंग्लिश पैदा नहीं हो रही, हम सब की सब चीजें वहां से उठा के ला रहे हैं। तो इससे भाषा के साथ जो एक मनोविज्ञान है कि साइकोलॉजिकली वी ग्रो विद द लैंग्वेज दैट वी लर्न एंड इन्वेंट एंड प्रैक्टिस। आप सब लोग एक दिन कभी शायद इस बात से डील करेंगे कि आप लोग एक आपकी सबकी सीमाएं, अगर भाषा आपको कम आती है तो यू कैन नॉट एंजॉय मनी, यू कैन नॉट एंजॉय सेक्स, यू कैन नॉट एंजॉय, मतलब जिसको ज्यादा अच्छी भाषा आती है, जिसकी किसी भी भाषा पे ज्यादा अच्छी पकड़ है वो जिंदगी को ज्यादा अच्छे से धो सकता है। ये हिंदी प्रेम सिर्फ इसलिए की बात नहीं है कि भाई हिंदी प्रेम है क्योंकि ये हिंदी हमारी मातृभाषा है, इसके साथ में ये भी कहीं से जुड़ा हुआ कि आप अच्छे से जिए, आप इस देश में रह रहे हैं और तो इस देश को ज्यादा अच्छे से जितना समझेंगे, धो सकेंगे अपने आप को, अपनी रिलेशनशिप्स को,
आप ज्यादा अच्छे से यू कैन मिल्क ऑल दोस थिंग्स विद अ बेटर कमांड ऑन एनी लैंग्वेज. और हिंदी शायद हमारे ज्यादा और मराठी है जो भी आपकी मातृभाषा है वो काम आ सकती है. वेरी वेल सेड. सो हाउ डिड यू चूज यू नो द एक्टर्स दैट वर पार्ट ऑफ योर प्रोजेक्ट? ओ भैया मैंने नहीं चूज किया वो तो इन लोगों के पास में मैंने दरख्वास्त भेजी, ये लोग ग्रेशियस थे, इन लोगों ने अपना टाइम वाइम दे दिया. आई डिड नॉट नो मैनी पीपल. मैंने हालांकि मूवीज बनाई है पहले एक दो, लेकिन वो यूएस में बनाई थी तो मैं नहीं जानता था. लेकिन सरप्राइजिंगली इन सब लोगों ने, अभी हमारे पास मनोज भाई, शिल्पा जी तो बैठी हैं, पीयूष मिश्रा भी हैं और बहुत सारे एक्टर्स हैं जो हिंदी उर्दू में हमारे साथ जुड़े, सबके मन में बहुत ज़्यादा थोड़ा दर्द है. दर्द इस बात का नहीं कि हमारी मातृभाषा के साथ में कुछ नहीं हो रहा, दर्द इस बात का है कि वो ऐसे समाज में जीना चाहते हैं जहाँ पर वो खुल के अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे. So they chose me, they chose this project. उनका शुक्रगुजार हूँ. तो आप you know poetry से प्यार करते हैं, आप हिंदी लेखकों से प्यार करते हैं. So who are your favorite poets and authors? बहुत सारे हैं, मतलब पढ़ा तो बहुत हो गया है, लेकिन मुझे modern Indian writer में उदय प्रकाश का बहुत बड़ा fan हूँ. और उदय प्रकाश जी के साथ कभी कभी मुलाकात होती है तो मैं fan की तरह बैठा रहता हूँ उनके पास. और दूसरा आजकल लोग बहुत अच्छी वो कुछ लोग हैं, जैसे मेरे एक मित्र हैं जो अब फिल्म मेकर बनने जा रहे हैं, अविनाश दास. मैंने उनको बहुत उकसाया क्योंकि वो ट्विटर पे कुछ ना कुछ कविताएं दो तीन लाइन की वो लिख करके भेजा करते थे. तो मैं उनके पीछे पड़ा हुआ था कि यार तुम लिखो. तो उन्होंने एक अपनी किताब जो है प्रकाशित करवाई है मेरे बहुत कहने के बाद. उसका नाम है जीवन एक कर्जा गाड़ी, वो कविताओं का संग्रह है. और भी एक और है सखी को लेकर के, जो उनके बहुत प्रचलित, मतलब मेरे हिसाब से बहुत ही कमाल का वो की रचना है. और पीछे पढ़ाऊँ कि वो भी किसी तरह से प्रकाशित हो जाए. बहुत सारे लोग हैं. जो आवश्यकता इस बात की है कि हम लोग लगातार पढ़े हों क्योंकि हम मुझे मेरा अपना मानना है कि रचना कभी भी किसी काल में किसी समय में बंद होती नहीं है. हमारी आँखें बंद हो जाती क्योंकि लोग हैं. अब इसी कॉलेज में बहुत सारे लड़के हैं या लड़कियां हैं जो अंग्रेजी में या हिंदी में या मराठी में बहुत अच्छी रचना रच रहे हैं, लेकिन उनको उस तरह का उत्साह नहीं मिल रहा है या उनको एक दिशा नहीं मिल रही है या उनका कोई ऐसा दोस्त नहीं मिल रहा है जैसा कि मैं अविनाश के साथ कर रहा हूँ, जो कि उनको उत्साहे प्रोत्साहित करे, उसको आगे बढ़ने के लिए उसका हौसला बढ़ाने की बात है. क्योंकि हिंदी या अंग्रेजी एक चेतन भगत है. अब हर कोई उतना लकी तो नहीं हो सकता कि भाई कि आप IIT छोड़ करके भी यू कैन स्टिल बिकम अ सेलिब्रिटी. लेकिन उकसाना बहुत, आज का समाज ऐसा है कि कमर्शियल हो गया है. एवरीथिंग हैज टू बी रिलेटेड, यू नो, एसोसिएटेड विद सक्सेस. एवरीथिंग हैज टू, और सक्सेस वो भी किस चीज़ का? सक्सेस का डेफिनेशन सिर्फ एक हो गया है, विच इज सो डेंजरस. एक डेफिनेशन है कि भाई आपके पास पैसा कितना है, आपके पास ऑडी है कि नहीं है, BMW है कि नहीं है. मेरे हिसाब से बड़े खतरनाक समय में रह रहे हैं. सफलता की ये परिभाषा अभी है ही नहीं कि जो मेरा मन आया वो किया और वो कर रहा हूँ, ये सफलता है. इससे बड़ी सफलता की परिभाषा कुछ हो नहीं सकती हमारे, क्योंकि ऑडी अगर आपके पास एक है और आप इतरा रहे हैं तो मुकेश अंबानी के जरा गराज में जाके देख लीजिए. तो इसका अंत नहीं. सफलता का आप वहां भी पहुंचेंगे तो फिर वहां पे लगेगा कि कोई और भी है जो आपसे बड़ा है. तो सफलता को इन सब चीजों से आंकना बड़ा, अपने जुनून से आप अपनी सफलता को आंकिए तो ज्यादा अच्छा, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी. ऑडी और BMW जो है ये सिर्फ गाड़ियां हैं. आपको साइकिल भी वही दूरी तय करा कर लेके जाएगी, BMW और ऑडी लेके जाती है. जरूरी ये है कि जुनून, वो बात मैं हर बार करता हूं. और दूसरी बात जो हिंदी को लेकर के मेरी अपनी बात है जो मैं अभी कह देता हूं कि सत्या से मुझे सफलता, मतलब जिसको कहें कमर्शियल सफलता जिसको मिली थी मुझे, उसके बाद काम मिलने शुरू हुए थे, नाम हुआ उस दौरान से लेकर के आज तक, जब से मुझे यह हक मिला कि मैं डिमांड कर सकता हूं
उस समय से लेकर के आज तक मैं किसी भी डायरेक्टर की स्क्रिप्ट नहीं पढ़ता अगर वो हिंदी में टाइप नहीं हो। ये एक जिद है मेरी, ये दृढ़ निश्चय है, क्योंकि अभी आजकल कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि सर वो कंप्यूटर पे हिंदी टाइप करने वाला कोई नहीं मिलता है। अभी ये क्या है, आलसी बना है। जब आप उनको बोलते हो कि आप भले ही दिल्ली से टाइप करा के लेके आइए लेकिन पढ़ूंगा तो मैं हिंदी में, तो उनको बंबई में मिलना शुरू हो जाता है, आलसी बना है। तो हिंदी वाले को काम दीजिए भाई, वो बेचारा बेरोजगार बैठा हुआ है। और मुझे कहते हैं कि भाई, एक किसी ने कहा, प्रोड्यूसर या डायरेक्टर ने, कि बाकी एक्टर्स को तो रोमन में चाहिए होती है सर, तो इसीलिए जो है ना हमने रोमन में कराया। मैंने कहा भैया उसको नहीं आती हिंदी, तो ये उसकी परेशानी है, उसकी गलती हो सकती है भाई, ये तो मेरा स्ट्रेस है।